नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज। रुक करते हैं आज की नई खबरों की ओर। लखनऊ कोविड की बढ़ती संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन ने जारी की गाइडलाइंस। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क, हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग के निर्देश। स्कूल, सिनेमा हॉल, मॉल, चिकित्सालयों और कार्यालयों के लिए जारी किया गया निर्देश। वकार हुसैन की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं जिलाधिकारी लखनऊ सूर्यपाल गंगवार लखनऊ वासियों से आग्रह करता हूं कि कोविड 19 के केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं। हमने विगत 3 वर्षों में जो कोविड के संबंध में सावधानियां सीखी हैं, उनको फिर से अमल में लाए जाने की जरूरत है। कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत जब कोई व्यक्ति भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाता है तो उसको मास्क का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी चाहिए, हैंड सैनिटाइजर्स का यूज करना चाहिए और किसी से गले मिलने या हाथ मिलाने से बचना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को बुखार हो जाता है, फीवर हो जाता है, तो उसको कोविड टेस्ट कराना चाहिए और तब तक खुद के लिए पृथक कर लेना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल स्तर पर भी हमको, चाहे स्कूल्स, कॉलेजेस हों, ऑफिसेज हों या रेलवे स्टेशंस या बस स्टॉप्स हैं, वहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन कराया जाना चाहिए, जिसमें थर्मल स्कैनिंग भी इंक्लूडेड है कि बाहर से आने वाले हर व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग हो, जिससे कि कोई व्यक्ति अगर उसको टेम्परेचर है तो पहले ही डिटेक्ट हो सके। इस प्रकार से हम पैनिक किए बिना अगर सभी सावधानियां बरतेंगे तो कोविड के प्रकोप से बच सकेंगे। सरकार और प्रशासन इस पर लगातार नज़र बनाए हुए है और यहाँ लखनऊ में सभी अस्पतालों को व्यापक निर्देश दिए जा चुके हैं। सभी अस्पताल कोविड के लिए तैयार हैं। अगर कोविड के कोई पेशेंट आते हैं, उनके उपचार की पर्याप्त व्यवस्था है, तो हमको पैनिक किए बिना सावधानियां पूरी बरतनी हैं। मैं पुनः लखनऊ वासियों से आग्रह करता हूं कि कोविड 19 के बढ़ते हुए केसेस के दृष्टिगत हमको पैनिक किए बिना सारी सावधानियां बरतना प्रारंभ करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार।